इस वीडियो में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं विच इज फ्रॉम द टॉपिक साइक्लॉइडल कर्व, और उसका जो ये टॉपिक है दैट इज हाइपोसाइक्लॉइड। ओके, प्रॉब्लम बता दिया है कि आपको ये कौन सा कर्व बनेगा, आपको यहाँ पे हाइपोसाइक्लॉइड कर्व यहाँ बनने वाला है। तो देखो प्रॉब्लम क्या बोला आपको यहाँ पे, सो बाय मीन्स ऑफ अ ड्रॉइंग दैट व्हेन द डायमीटर ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल इज ट्वाइस दैट ऑफ द जनरेटिंग सर्कल द हाइपोसाइक्लॉइड इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको ये दिखाना है यहाँ पे बाय मीन्स ऑफ अ ड्रॉइंग दैट डायमीटर ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल क्या रहेगा, ट्वाइस दैट ऑफ द जनरेटिंग सर्कल। उस केस में आपको जो हाइपोसाइक्लॉइड बनेगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। टेक द डायमीटर ऑफ जनरेटिंग सर्कल इक्वल्स टू 50 mm। ओके, तो यहाँ पे आपको जो गिवन दिया दैट इज स्मॉल डी, कितना दिया होता है यहाँ पे आपको 50 mm दिया हुआ है, तो आपको कैपिटल डी कितना होगा, 100 mm हो जाएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है व्हेन द डायमीटर ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल इज ट्वाइस ओके दैट ऑफ द जनरेटिंग सर्कल। तो डायमीटर अगर जनरेटिंग सर्कल का 50 है तो डायरेक्टिंग सर्कल कितना होगा, ट्वाइस दैट इज 100 mm। तो इस केस में जब थीटा आप निकालोगे दैट इज 360 इंटू स्मॉल डिग्री अपॉन में कैपिटल डी, तो ये अगर आपका रखोगे 50 और यहाँ पर रखोगे 100, तो आपस में क्या होगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 360 विल बी हाउ मच, 180 डिग्री। ओके, तो थीटा में कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो देखो आप करना क्या है, तो सबसे पहले क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना विच इज इक्वल्स टू हाउ मच डी दैट इज 100। ओके, 100 mm ये अपना हो गया, ठीक है। और ये अपना क्या है बताओ, तो ये अपना 180 डिग्री एक्चुअली है, ठीक है। अब करना क्या है, एक सेमी सर्कल यहाँ पर अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो अपना सेमी सर्कल यहाँ ड्रॉ कर दिए, फाइन। अब ये जो है ये अपना क्या है, डायरेक्टिंग सर्कल का ये क्या हमारा डायमीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे जनरेटिंग सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका डायमीटर मुझे कितना दिया, यहाँ पे 50 mm दिया हुआ है, तो रेडियस कितना होगा, 25 mm हो जाएगा। तो क्या करना, इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, इसको निकाल दिए। अब यहाँ पे राउंडर को रख के ऐसा अपन एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसको अब रेडियस मान लो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, देखो अपना सर्कल बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इस सर्कल को मुझे यहाँ पे 12% डिवाइड करना है, तो यहाँ पे इसको ऐसा अपन डिवाइड कर लिए, फाइन। अब इसको अपन 12% डिवाइड कर लेंगे, ऐसा इसको भी अपन 12% डिवाइड कर लेंगे। ओके, देखो अपना सर्कल 12% डिवाइड हो चुका है। अब मुझे समझना ये है कि ये सर्कल को जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा मैं, तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे कहीं आएगा, ये वाला पॉइंट वैसे यहाँ कहीं आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। तो अगर मैं इसको 1 लेता हूँ तो इतना क्या होगा, 1 डैश हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसको 2 लूँ तो ये अपना 2 डैश, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और अपना ये क्या 12 रहेगा। तो इस हिसाब से जो है इसकी नेमिंग रहेगी, ओके, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड दिस इज 12। तो नेमिंग कलर थे यहाँ का भी 3-4-5-6-7-8-9-10-11 एंड दिस इज 12 हो गया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट अपना क्या है, मान लो ओ है सेंटर, ओके, ठीक है। ये अपना जो पॉइंट है अपना क्या है, ये ओ दिस इज सेंटर। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे ये अपना क्या है, सी है, ओके, सी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉरी यहाँ पे, ओके, सेंटर पे रख करके यहाँ तक का अपन एक आर्क लेंगे और यहाँ पे रख के इसको ऐसा अपन कर्व ड्रॉ करेंगे विच इज, लेकिन इसको जब हम पीछे लेके आओ तो अपने ये 11 को टच करना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करो, यहाँ पर रख के 11 तक मेजर कर लो राउंडर पे और यहाँ पे रख के इसको ऐसे घुमाओ, ये अपना पहला आर्क हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर रखकर जब आप 10 तक मेजर करोगे आर्क लेना, यहीं पर रख के जब उसको घुमाओगे तो इट विल पास थ्रू पॉइंट 2, ओके। ये अपना हो गया। वैसे ही यहाँ पर रख के जब 9 तक
मेजर करो, तो इसको जब घुमाओ तो कैसे ये 3 से पास करेगा आपको ये? हो गया, सेंटर जो है वो अलग से आएगा और सेंटर थोड़ा सा डार्क करिएगा बिकॉज ये क्या कराएगा, 2S पेंसिल कराएगा। ओके, ये सेंटर वाला कर्व, ये सर्कल और ये जो बना हुआ आपका सेमी सर्कल जो बना हुआ है, दिस ऑल विल बी ऑफ 2S पेंसिल। अब यहाँ से लग के जब यहाँ तक तो मेजर करोगे आप, तो यहाँ पे घुमाओगे तो ये जो है आपका सेंटर वाले कर्व के एकदम नज़दीक से निकलेगा। ओके, उसके बाद इसको इसको मिलाते हुए ऐसा हो गया, और ये जो 6 वाला पॉइंट है वो आपका क्या है, इस सेंटर पे ही है। ओके, तो यहाँ से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मुझे करना क्या देखो आपने। ओके, यहाँ पे स्केल पकड़िए, इस सेंटर वाले पॉइंट को जब आप 1 डैश से मिलाओगे तो आपको जो सेंटर वाली जो कर्व है यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा C1। ओके, वैसे इसको जब आप 2 डैश से मिलाओगे तो सेंटर वाले कर्व को क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, जैसे C2, वैसे यहाँ पर क्या मिलेगा यहाँ पे C3, यहाँ पर मिलेगा C4, यहाँ पे C5, स्ट्रेट में क्या मिलेगा आपको C6 मिलेगा, यहाँ पे C7, तो यहाँ पे C8, वैसे यहाँ पे C9, दिस इज C10, दिस इज C11 एंड दिस पॉइंट इज C12। हो गया यहाँ तक का? ठीक है, अब आर्क अपन जो काट करते हैं, कट करते हैं कैसे कट करते हैं, यहाँ से कि यहाँ तक लेंथ को मेजर करते हैं अपन राउंडर से, C1 पर के काटते हैं। ठीक है, तो C1 पर के काटोगे, ठीक है, तो ये 1 वाला जो कर्व आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो 1 वाला जो कर्व आपको यहाँ से जो पास होते हैं यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे कटेगा। फिर C2 पर काटोगे तो ये 2 पे यहाँ पे कटेगा, C3 लगा तो ये 3 पे कटेगा, C4 पर कटोगे तो 4 पर लगा कहाँ कटेगा, यहाँ पे कटेगा, C5 पर लगा कहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, C6 पे यहाँ कटेगा, C7 पे यहाँ कटेगा, C8 पे यहाँ कटेगा, C9 पे यहाँ कटेगा, C10 पे यहाँ, C11 पे यहाँ और C12 पे यहाँ कटेगा। ठीक है, ये आपको अल्टीमेटली पॉइंट आपको मिल ही जाएगा। तो इन पॉइंट जब जोड़ोगे तो दिस इज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो हाइपोसाइक्लॉइड आपको यहाँ जो बन रहा था, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, यही चीज़ जो आपको यहाँ पे प्रूव करना था। तो फाइनली करना क्या आपको, यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिया था, इसको आप HB से डार्क कर लीजिए। ओके, बिकॉज यही अपना क्या है, हाइपोसाइक्लॉइड है, ये अपना क्या है, हाइपो। ओके, और इसको हम कैसे बनाएंगे, HB पेंसिल से बनाएंगे। ओके, ये जो रहेगा सेमी सर्कल ये आपका रहेगा, ये अपना क्या है, डायरेक्टिंग सर्कल का पार्ट है, तो ये अपना किसका रहेगा, 2H पेंसिल का रहेगा। सर्कल को हम लोग 2H पेंसिल से बनाएंगे, जो सेंटर से पास होता है जो कर्व यहाँ पे बनाया है उसको भी अपन क्या बनाएंगे, 2H पेंसिल से बनाएंगे, बाकी सब कुछ आपके यहाँ पे 4H पेंसिल से रहेगा। और यही जो चीज़ है आपको यहाँ पे बोला था प्रूफ करने के लिए। ओके, आगे के वीडियो में आपको इसका बिल्कुल एक डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा जिसको मैं खुद शिफ्ट में बना के बताया हूँ, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।